परमिशन दिया। तो वी हैव टू डिस्कस, जो लास्ट टाइम हम एक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, दैट इज परसेंटेज ऑफ यील्ड, है ना, हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था दैट इज परसेंटेज ऑफ यील्ड। आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको अपन बोलेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो चलो देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, सो इफ यू रीड दैट प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो अपन उसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। राइट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब ना इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओएसी बोलते हैं, पीओएसी रूल बोलते हैं। वैसे अपन प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन रूल कभी यूज नहीं करने वाले, अनलेस कभी ऐसा हो जाए कि एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है और उस रिएक्शन में काफी सारा डाटा हिडन हो, तो फिर हमें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम जिस एटम के, बिकॉज एटॉमिक कंजर्वेशन मतलब एटम के रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन फॉलो करना है, मतलब एक पर्टिकुलर एटम ऐसा होगा जो कंजर्व रहा होगा एंटायर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में, तो हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो हमें इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब कोई रिएक्शन को हम बैलेंस ना कर पाए और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में सारे रिएक्शन हिडन डाटा से गिवन है, बट जिस एटम के रिस्पेक्ट में हम कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेंगे उस एटम को किसी भी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में ना तो आप उसे निकाल सकते हैं और ना ही उसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे भाई, सो द एटम विथ रिस्पेक्ट टू विच POAC is applied should not be added or removed from the reaction. ना तो हम उसे add करेंगे ना ही उसे remove करेंगे in sequence of reaction. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आपने कहा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, तो पहले मैं क्या करता हूं ना, पहले मैं आपको POAC रूल समझाता हूं, उसके बाद अपन देखेंगे कि आप कैसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में बोल रहे हो। तो पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि भाई कैसे आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करते हो केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो अपन पहले चेक कर लेते हैं, इसको अपन पॉइंट वन कर देते हैं, ना पीओएसी रूल। ठीक है, इन अ गिवन रिएक्शन, अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं, इन अ गिवन रिएक्शन, राइट, इन अ गिवन रिएक्शन, सपोज मेरे पास KCl3 और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं KCl में प्लस O2 में, ये अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये रिएक्शन और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में ना तो हमें रिएक्शन बैलेंसिंग करनी जरूरत पड़ता है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करना होता है। अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, सपोज यहां पर अपन इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि अपन को एक बात पता है जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पे भी होंगे, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है भाई, जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे किसी भी रिएक्शन में उतने ही राइट हैंड साइड पे भी होंगे। तो अपन क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो पोटेशियम और क्लोरीन तो अपन को एक एक दिख ही रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अपन को दिख रहा है इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके देखते हैं। लेकिन एक बात आपको अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता,
सपोज मेरे पास कोई H2SO4 कोई दूसरा मॉलिक्यूल गिवन होता, तो अपन क्या करते हैं कि भाई अगर मुझे H2SO4 का आप 0.2 मोल्स दे दो तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, तो अपन कहते हैं 0.2 इंटू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें सल्फर के कितने मोल्स होते हैं, तो अपन कहते हैं 0.2 सल्फर के मोल्स जो होते हैं, ये तो ऑक्सीजन के मोल्स हो गए और सल्फर ये ऑक्सीजन के तो मोल्स होते हैं, हाइड्रोजन के मोल्स होते हैं एच एटम के मोल्स। सल्फर के मोल्स होते हैं 0.2 इंटू 1 और ऑक्सीजन के कितने मोल्स होते हैं, तो अपन कहते हैं भाई ये तो 0.2 इंटू 4 हो जाते हैं। तो मतलब अपन को ये पता था कि अगर आप H2SO4 मुझे देते हो दैट इज 0.2 मोल्स, आई एम एबल टू टेल कि उसमें कितने मोल्स हाइड्रोजन होंगे, जितने मोल्स H2SO4 के हैं उसके डबल मोल्स हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो H2SO4 क्योंकि डबल मोल क्यों, क्योंकि H2SO4 के एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल में दो मोल्स हाइड्रोजन एटम्स है, तो अपन ने लिख लिया भाई उसको दो मोल्स हाइड्रोजन एटम, राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई ये तो आपने मुझे बता दिया, बिल्कुल मैं वैसे ही लिख लूंगा। अगर मेरे पास KClO3 होगा और KClO3 का वन मोल है मान लो, तो पोटेशियम वन मोल होगा, क्लोरीन वन मोल होगा, ऑक्सीजन थ्री मोल्स होगा, ये मोल्स हो जाएंगे एटम्स, राइट। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं POAC यूज कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, सो यूज यूजिंग POAC with respect to oxygen atom, right? With respect to oxygen atom लिख लेता हूँ मैं, so oxygen atom के respect में मैं, because atomic conservation लिखा है तो आपको POAC एक atom के respect में ही use करना होगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई यहाँ पर लिखता हूँ मैं कितने moles हैं इसके, तो पूरा molecule लिखा हुआ है तो अपन लिखेंगे moles of KClO3। तो देखो मोल्स ऑफ KClO3 तो अपन को पता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है वन मोल ऑफ KClO3 को ऐसे लिखेंगे मोल्स ऑफ KClO3, तो अपन कहेंगे जितने मोल्स KClO3 के होंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होंगे उसके थ्री टाइम्स, आपने यही तो लिखा है ऑक्सीजन के इसमें थ्री एटम है तो थ्री टाइम्स हो जाएंगे मोल्स। तो अपन क्या करेंगे, आपने यूज किया POAC विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम, तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स उसके मल्टीप्लाई बाय 3 इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द KClO3 3 इनटू मोल्स ऑफ राइट KClO3, सो ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे। अगर मैं इसको लिखूंगा दैट इज इक्वल टू, अब जितने मोल्स क्योंकि एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे भाई जितने मोल्स ऑक्सीजन के इधर होंगे उतने ही मोल्स राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए। तो पहले अपन ऐसे लिखते हैं, मैंने आपसे कहा मोल्स ऑफ O2, अब अपन क्या करेंगे भाई मोल्स ऑफ O2 अगर ये है मुझे गिवन होगा क्योंकि मुझे वेट इन ग्राम वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं, तो आई एम एबल टू कैलकुलेट द मोल्स। तो अगर मोल्स ऑफ O2 है तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे इसमें, तो अपन कहेंगे भाई 2 इनटू ऑक्सीजन एटम, राइट, ना कंजर्वेशन। जितने ऑक्सीजन एटम मैंने यहां पर लिखे 3 इनटू मोल्स ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू 2 इनटू मोल्स ऑफ O2, ये ऑक्सीजन का कंजर्वेशन होगा। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 2, करेक्ट ना। अब एक बार देखो अगर मैं इसको सपोज देखना आपने ऐसे लिखा, ठीक है ऊपर को ये लिखना आता है राइट right? अब मैं आपको एक दूसरा पार्ट बताता हूँ कि इसकी मैं क्यों बोल रहा था कि इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, तो मैं कहूंगा देखो अगर आप KClO3 लिखोगे गिव्स यू KCl प्लस O2, चलो अपन इसको बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस कर दिया है ना, अपन ने बैलेंस कर लिया। अगर मान लो मेरे पास, मैं तुमसे कहता मेरे पास मोल्स ऑफ KClO3 आपने दे दिया वो x ले लिया मैंने, सपोज मोल्स ऑफ KClO3 x है, तो बताओ मोल्स ऑफ O2 कितना होगा, तो मोल्स ऑफ O2 अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ O2 चाहिए तो अपन ऐसे लिखेंगे KClO3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय O2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप इसका मोलर कोएफिशिएंट, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आता अपने पास, तो 3 बाय 2
मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ KClO3, ये मोल्स ऑफ KClO3 है ना, मोल्स ऑफ KClO3 ऑफ KClO3 जो कि आपने x ले रखा है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 होता है ना, मोल्स ऑफ O2 ऐसे तो लिखते हैं, देखो लिखते ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? आप यहां पर क्या लिखोगे, 3/2 लिखोगे ना, ऐसे मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा, आप 3/2 लिखोगे ना तो मोल्स ऑफ O2 आ गया। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे लिए? कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए मैंने कहा हमें शायद कभी जरूरत ना पड़े इसे। Got it ना? अब अपन एक काम करते हैं, एक बार और मैं इसको बताऊंगा आपको है, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपने लिए, ठीक है? अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूं आपसे, आपसे अपन ने क्या किया, हमें प्रिंसिपल POAC यूज करना था विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन एटम इधर है, कितने ऑक्सीजन एटम इधर है वो देखना होता है। ऑक्सीजन किसमें गिवन है? इसमें, तो मोल्स ऑफ KClO3, सो POAC विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम, सो मोल्स ऑफ KClO3 जितने मोल्स KClO3 के होंगे ऑक्सीजन के, कितने मोल्स होंगे उसके 3 times ऑक्सीजन एटम के मोल्स आ गए ना, और उधर ऑक्सीजन एटम लिखूंगा तो लिखूंगा मोल्स ऑफ O2 क्योंकि ऑक्सीजन O2 में है, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे तो अपन कहेंगे भाई उसके 2 times। अब ये मोल्स ऑफ उनको कैलकुलेट करना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास आ गए, ये तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या जो व्हाट एवर द डाटा इज गिवन टू अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये अपने पास एक एग्जांपल था, सो इन अ गिवन रिएक्शन मैं बी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है? तो यहां पर अपन मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपन वैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैंने कहा था अपन को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लेते हैं अपन कोई ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है अपन को, जिसमें अपन को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कैलकुलेशन, जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सपोज करते हैं कि ऐसे गिवन है KClO3, ठीक है, और इसको ना थोड़ा थोड़ा सा और टिपिकल बनाता हूं, मुझे ना FeCN होल ट्वाइस गिवन है, और मुझे कहा गया कि ये कंपाउंड ना पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके व्हाट एवर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मुझे नहीं पता कैसे रिएक्शन हुआ, लेकिन पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके इसने ये कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड बन गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें ना सारा डाटा हिडन है, इसमें कुछ अपन को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप, क्योंकि CN है आप इसको, मतलब पोटेशियम है K4 लिखोगे, ऑब्वियसली बात है CN को कैसे बनाओगे, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ आयरन होगा वो इसके एनायन से अपन बैलेंस कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे बैलेंस करने में अपन को प्रॉब्लम जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये कार्बन के रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है, हो गया फर्क, कार्बन इसमें प्रेजेंट है, कार्बन इसमें प्रेजेंट है ना, तो अपन क्या करेंगे अगर दोनों में कार्बन प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर दो, तो चलो करके देखते हैं। सो मैं यूजिंग POAC विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम, तो मैं लिखूंगा यूजिंग POAC विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम, तो कार्बन एटम से के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब अपन कहेंगे भाई देखो इस मॉलिक्यूल में 2 carbon है, CN twice है ना, तो अपन क्या कहेंगे जितने मोल्स इसके होंगे कार्बन के मोल्स उसके डबल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 carbon है, और जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स Fe के होंगे, जितने मोल्स इसके होंगे उतने उसके डबल मोल्स नाइट्रोजन के होंगे, या जितने मोल्स इसके होंगे उसके डबल मोल्स कार्बन के होंगे। तो अपन को क्या करना होता है, हमें पहले इसके मोल्स लिखने होते हैं, तो अपन लिखेंगे भाई मोल्स ऑफ, क्या लिखेंगे FeCN होल ट्वाइस, ऐसे लिखेंगे। तो अब अपन लिखेंगे ये तो इसके मोल्स है, तो कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो उसके रिस्पेक्ट में, तो देख लेते हैं भाई इसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स है, 2 carbon atoms है, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको अपन लिखेंगे इक्वल टू, अब इसके मोल्स लिख देते हैं तो मोल्स ऑफ
है ना, के फोर एफ ई सी एन ओ सिक्स। तो अपन देखेंगे भाई ठीक है, ये तो इसके मोल्स हैं, इस मॉलिक्यूल के मोल्स हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं? तो अपन कहेंगे एक मॉलिक्यूल में फोर कार्बन, सिक्स कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। जितने इसके मोल्स होंगे उसके सिक्स टाइम्स कार्बन एटम के मोल्स होंगे। तो लो भाई पहले मल्टीप्लाई, ये कंजर्वेशन लॉ। तो अपन कहेंगे अब ये टू इंटू मोल्स ऑफ दिस, और इसके मोल्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं अपन तो ऐसे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, टू इंटू, मान लो इसका वेट इन ग्राम्स लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे अपन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख लेते हैं अपन, है ना। और इसको लिखते हैं अपन सिक्स इंटू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि हमें क्या पता, अब ये मोल्स गिवन है अपन को पता है, वेट इन ग्राम गिवन होगा या वॉल्यूम गिवन होगा, बट सिंस इट इज अ सॉलिड तो हमें वेट इन ग्राम ही गिवन होगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, अगर अपन को जरूरत पड़ा इसका वेट इन ग्राम गिवन है, बट क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट इज, अगर इसमें कंजर्वेशन लॉ फॉलो करेंगे, इसका मास मुझे गिवन है सपोज 2 ग्राम, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना अपन को आता है, तो बताओ कितने मोल्स इसके बनेंगे। तो अपन कहेंगे 6 इनटू मोल्स ऑफ दिस विल बी फॉर्म, ये कंजर्वेशन लॉ का मतलब एक तरीके से विल से दैट कंसेप्ट है, बट हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है कि हम तो रिएक्शन जो बैलेंस अपन को गिवन होता है उसमें अपन बता सकते हैं कि कैसे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द बैलेंस रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन शायद अगर कभी जरूरत पड़े तो अपन उसको यूज कर सकते, दिस इज अ कंजर्वेशन लॉ, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लॉ, ये तो तुमको पता है। सो दैट इज द कंजर्वेशन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये था हमारा विल से दैट दैट इज, ठीक है। अब इसमें भी हमें मोल कॉन्सेप्ट में जो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था वो ये पार्ट था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बात करेंगे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, अब हम मिक्सचर की बात करेंगे कुछ, ठीक है ना। ये तो अभी हमने एक सिंगल रिएक्शन की बात की, सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात की, परसेंटेज ऑफ यील्ड की बात की, लिमिटिंग रिएजेंट की बात की, और अभी हमने पीओएसी की बात की। अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो आप क्या कर रहे थे कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे और रिएक्शन को बता रहे थे मुझे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आपने सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात। अभी अपन क्या करने वाले हैं, अपन लिखने वाले हैं कि अगर मान लो अपन को मिक्सचर गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करें, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर की बात करनी है। तो चलो देखते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, अगर हमें मिक्सचर गिवन है तो हम कैसे उसका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। सो विल राइट दैट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर्स, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर के मिलता है। अब कई बार हमें क्या कैलकुलेट करना होता है कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैलकुलेट करना होता है, क्या कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। देखो अब जैसे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी की बात करेंगे अपन, तो कई बार ऐसे होता है कि अपन को परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का मतलब हो गया मेरे पास एक सैंपल के बारे, ठीक है, अपन ने अज्यूम कर लिया, फिर मैं उसको फॉर्मूले के फॉर्म में, परसेंटेज का फॉर्मूले सबको पता है कैसे होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास एक सैंपल है KClO3 का, अज्यूम कर लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं KClO3 को। मेरे पास ये सैंपल जो गिवन है KClO3 का, सपोज करते हैं कि द सैंपल इज 20 ग्राम, ये सैंपल है लेकिन 20 ग्राम, तो सैंपल का मतलब हो गया कि इसमें जो सैंपल अपन को गिवन है प्लस इसमें KClO3 है प्लस कुछ इंप्योरिटीज है, दैट आई एम कॉलिंग इट एज अ सैंपल।
एम नॉट कॉलिंग इट एज अ KCl3 20 ग्राम्स, दोनों ही प्रेजेंट है 20 ग्राम। लेकिन जब मैंने कहा इसमें अब इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो जनरली डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि वो मिट्टी पत्थर को अज्यूम करते हैं, अनलेस अपन को गिवन ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल गिवन हो तो जो इम्प्योरिटीज है ना वो आप मिट्टी पत्थर ही अज्यूम करोगे, द गैंग्यू पार्ट जो अपन मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स और गैंग्यू पार्ट। तो अपन कहेंगे ये जो इम्प्योरिटी होता है ये डिकम्पोज नहीं होता मिट्टी पत्थर, तो अपन क्या करते हैं कि जब अपन इससे, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये सैंपल का मास है कि जब मैं इस सैंपल को हीट करता हूं, तो सैंपल को हीट करोगे तो आपने अभी बताया कि जो इम्प्योरिटी होते हैं वो तो मिट्टी पत्थर होते हैं, तो हीट करने से KCl3 ही वहां पर क्या होगा लिबरेट होगा या KCl3 का डिकम्पोजिशन होगा। अगर KCl3 का डिकम्पोजिशन होगा तो अपन को पता है फिर तो ये ऐसे डिकम्पोज होता है, दैट इज KCl प्लस O2 ऐसे डिकम्पोज होगा और बैलेंस कर देते हैं भाई अपन, ये ना बैलेंसिंग होगी राइट ना, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये जो सैंपल था ये तो इम्प्योर था, तो इसमें अपन से पूछा गया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ गैस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल। अब प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब होता है कि भाई इस सैंपल में ये इम्प्योरिटी प्लस KCl3, हमको ये बताना है कि KCl3 कितना प्योर था इसमें, मतलब कितने ग्राम KCl3 इसमें प्रेजेंट था, ये अपन को कैलकुलेट करके बताना। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई बता देते हैं आप, लेकिन इसके लिए कोई और डाटा भी दो क्योंकि हम सिर्फ इसको देख के तो नहीं बता सकते कि भाई इसमें कितना ग्राम है, वरना ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, बोल ही देता कि ये इतना ग्राम है। तो मुझे डाटा गिवन है कि जब इसको इस सैंपल को हीट करते हैं राइट, सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ द सैंपल व्हेन 5.6 लीटर ऑफ, वी कैन राइट दैट एज अपन को गिवन है 5.6 लीटर ऑफ ओ2 इज लिबरेटेड एट टेस्टिंग ऑन हीटिंग द सैंपल, हीटिंग द सैंपल। तो अब ठीक है भाई क्योंकि अपन को क्या गिवन हो गया, अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें एक बात तो अच्छे से पता है कि जो भी O2 लिबरेट होगा इस सैंपल से वो KCl3 के डिकम्पोजिशन से ही होगा। आपने बता दिया कि इंप्योरिटी डिकम्पोज नहीं होते कभी, इंप्योरिटीज कभी डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि वो मिट्टी पत्थर होते हैं। तो ठीक है भाई मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसके मोल्स पता चल गए क्योंकि आपने इसका डाटा गिवन है, किसी एक का अगर डाटा गिवन है क्वेश्चन में तो रिएक्शन में, तो बाकी सब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करके इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा और इसके मोल्स से इसका मास बता दूंगा। अगर इसका मास आ गया तो टोटल सैंपल मुझे 20 ग्राम गिवन है तो इसका मास आ गया, बाकी बचे अपने पास क्या है उसमें इंप्योरिटी, क्योंकि आपने बताया कि जब हम इस सैंपल को हीट करेंगे टोटल सैंपल को तो उसमें से O2 निकलता है और अपन को पता है कि O2 तो सिर्फ KClO3 दे सकता है क्योंकि इंप्योरिटी का डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे इसमें मोल्स ऑफ O2 कितना गिवन है अपन को, तो अपन कहेंगे भाई मोल्स ऑफ O2, राइट। अब वॉल्यूम से O2 कैसे निकालते हैं अपन, तो वॉल्यूम है लीटर्स डिवाइडेड बाई 22.4, एसटीपी पे तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू अपने पास गिवन है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, दैट कम्स आउट टू बी 1/4, तो 1/4 आ गया, दैट इज 0.25 मोल्स आ गया। अगर मोल्स ऑफ O2 0.25 है तो बाकी तो अपन को लिखना आता है, फिर इसके मोल्स से इसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन इस इक्वेशन को यूज करते हैं जो अपन लिखते हैं मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय इसका मोलर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, रिएक्शन में कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट 3। तो मुझे O2 के मोल्स तो 0.25 गिवन है, तो इसके मोल्स आ गए अपने पास कितने, तो अपन लिखेंगे KClO3 के मोल्स कितने आ गए, सो मोल्स ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू दैट इज 2/3 इनटू 0.25, ये इसके मोल्स आ गए। अब क्या करें, जब किसी के मोल्स होंगे अपने पास तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना आता है,
क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ KCl3 गिवन है, मतलब ये गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो मल्टीप्लाई का उसका मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना दैट इज इक्वल टू 122.5। तो चलो इसको 122.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, सो दैट विल बी इक्वल टू 122.5 इज इक्वल टू आ गया वेट इन ग्राम्स। तो अपने पास वेट आ गया किसका, KCl3 का, ठीक है। तो इसका अगर वेट आ गया तो बाकी बचा हुआ इम्प्यूरिटीज हो, चलो देखते हैं कितना है अपने पास। ये 0.5 आया, तो 0.5 इसका हाफ हो गया, तो 0.5 मतलब हो गया इसका हाफ, तो इतने पास कितना आएगा, तो इसको डिवाइड, ये 0.5 आया तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो इसको करते हैं अपन 0.5, तो 122.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू वेट आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 61 अपने पास कितना आ जाएगा, सो ये तो थोड़ा सा अपने पास 61 पॉइंट कितना है अपने पास, दैट इज 0.25, सो 61 पॉइंट लिखेंगे अपन, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मतलब 2 और 5.25, और उसको तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि अपने पास, वरना ऐसे थोड़ी होगा सैंपल से ज्यादा आ जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे नंबर ले लिया था कि वो कैलकुलेट हो गया ना 1/4 टाइम बचे, कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, लेकिन कंसेप्ट अपना वही रहेगा। तो अपन को सैंपल जो है, तो अपने पास कितना आंसर आ रहा है, तो अपन ने कहा भाई हमारे पास आंसर वेट इन ग्राम्स आ गया अपने पास, तो इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू 3.04 20 पॉइंट है ना, तो ऐसा लिखेंगे 20 पॉइंट दैट विल बी 4.5 ना, सो 20.4 और अपन लिखेंगे 1 ऐसे कुछ आ रहा है ग्राम्स। तो अगर अपन लिखेंगे तो ये ग्राम आ रहा है अपने पास, दैट इज द ग्राम ऑफ KCl3। तो अपन ने क्या ना सैंपल का मास चेंज किया था, वो क्यों चेंज किया था, क्योंकि कभी किसी सैंपल के मास से ज्यादा थोड़ी हो सकता है किसी का मास, भाई इंप्योरिटी भी तो है उसमें, राइट ना। तो अपन ने तो वैसे ही एक सैंपल ले लिया था, अच्छा ये नंबर भी मैं चाहता था कि बड़ा इजी रहे कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने उस वैसे नंबर ले लिया था, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम, कॉन्सेप्ट वही रहेगा अपना, क्योंकि बदतर कॉन्सेप्ट सीख रहे। अब ये आ गया ना, तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा अब ये अगर 20.4 है और टोटल मास 4.5 है, 4.1 है, और ये अपना मास जो गिवन है ना ये वाला मास 25, तो अपन कहेंगे 25 में से ये माइनस कर दो तो बाकी बचा हुआ इसका इंप्योरिटी हो जाए मास हो जाएगा, इंप्योरिटी का मास हो जाएगा, ठीक है भाई। हमें दोनों के मास पता चल गया, इसका भी मास पता चल गया, इसका भी मास पता चल गया, लेकिन बड़ा इजी था ये कैलकुलेशन के लिए, मुझे इतना सारा बताना पड़ा आपको। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, दोनों का सैंपल का मास मुझे के बजाय अपन से पूछा है कि बताओ कितना परसेंट प्योर है, इसका मतलब है ये डाटा अपने लिए कोई काम का नहीं, आपको कोई और डाटा देना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो इम्प्योरिटी भी है, और मुझे इसका परसेंटेज प्योर बताना है, मतलब वो कैलकुलेट करना है। तो अपन ने देखा ठीक है भाई, इस डाटा से और क्या डाटा निकल रहा है, तो अपन कहेंगे KCl3 का डाटा जो है, KCl3 जो था उससे जो O2 बन रहा था, O2 का डाटा मुझे गिवन था, अगर O2 का डाटा मुझे गिवन था तो उससे मैंने कहा चलो O2 के डाटा से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि KCl3 कितना हो, ठीक है, इसके मोल्स से इसके मोल्स, इसके मोल्स से इसके मोल्स, इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके मास आएगा, तो इस सैंपल में कितना मास है कैलकुलेट। अब अपन कहेंगे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, जो अपन लिखना होता है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या हो जाएगा, प्योरिटी ऑफ सैंपल, तो कितना प्योर होगा, तो अपन कहेंगे KCl3, सो वेट ऑफ KCl3 डिवाइडेड बाय टोटल वेट है ना मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपना परसेंटेज ऑफ प्योरिटी हो जाएगा। तो कितना आ गया अपने पास 20.441 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, लो भाई आ गया परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, दैट इज अराउंड 81%, 81 से 82% के आसपास। तो परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का मतलब होता है कि भाई हमें टोटल सैंपल का मास गिवन होगा वो पूरा प्योर नहीं है, तो फिर प्योर कैसे कैलकुलेट करें, तो अपन को गिवन होगा कि भाई किसका सैंपल है, KCl3 का,
ठीक है, तो केसीएल ओ थ्री का डाटा दो जिससे मैं ये कैलकुलेट कर पाऊं कि केसीएल ओ थ्री कितना होगा। तो डाटा गिवन था ना, तो गिवन था, मैंने कैलकुलेट कर लिया। दैट इज हाउ वी गेट द राइट कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। बता दिया भाई कितना परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में अपन को क्या करना होता है, जो सैंपल में जो कंपाउंड प्योर है उस कंपाउंड का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। ठीक है, अब मैंने एक ही कंपाउंड का परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैलकुलेट किया, तो अपन अगर मान लो अपन ने कहा कि भाई ये अपने पास 82% के आसपास आ रहा है प्योर, तो अपन कहेंगे ठीक है। अगर मान लेते हैं अपन ये जो कि बने अपन को प्योरिटी इम्प्योरिटी का कितना परसेंटेज है, तो अपन कहेंगे 100 जितना इसका आ रहा है प्योर परसेंटेज, उसको 100 से माइनस कर लो, इसका परसेंटेज आ गया, तो हम परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बता दो। अब अपन क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर का मतलब है इसमें एक से ज्यादा कंपाउंड है, मतलब अब मैं इंप्योरिटी नहीं रखने वाला, अब मैं एक से ज्यादा कंपाउंड, तो वो मिक्सचर की बात। अब आपको याद होगा मैंने आपको डिकम्पोजिशन बताए हुए हैं, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है आपको पता है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स कैसे होते हैं वो भी अपन को पता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट भी पता है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट भी पता है, डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट भी पता है, और एक्सेप्शंस भी पता है, नाइट्रेट्स के एक्सेप्शन भी आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में क्या होगा, हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को देना होगा। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर होगा। अगर एक से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर होगा तो उस मिक्सचर में दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना है। तो इंप्योरिटी और KClO3 बताया तो था, इंप्योरिटी का रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, मिक्सचर में दोनों का रिएक्शन होगा, तो फिर हमको बताना है। जैसे अपन ने KClO3 का रिएक्शन हो रहा था, इंप्योरिटी का तो अपन ने कहा मिट्टी पत्थर है रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अभी क्या होने वाला है, दोनों का रिएक्शन होने वाला है। अगर दोनों का रिएक्शन होगा तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। इसमें एक पार्ट और मतलब अपन कोशिश करेंगे हमेशा व्हेनेवर द डाटा हो, व्हेनेवर द मिक्सचर इज गिवन, द मिक्सचर इज गिवन, ऑलवेज राइट, अपन क्या करेंगे हमेशा सेपरेट रिएक्शन लिखेंगे फॉर ईच कंपोनेंट, ऑलवेज राइट सेपरेट रिएक्शन फॉर ईच सब्सटेंस, ये अपन को जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा सभी के लिए अपन को क्या करना होगा, सेपरेट रिएक्शन लिखने होंगे, ठीक है, अपन सेपरेट रिएक्शन लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, सेपरेट रिएक्शन लिखेंगे तो चलो देखते हैं, इसको ना अपन एग्जांपल के थ्रू ही ले सकते हैं, राइट ना, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि मोल कंसेप्ट में क्या होगा, आपको रिएक्शन के मोल्स कोरिलेट करने हैं, तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। आई विल टेक एग्जांपल, अ 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ, अ 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अब दोनों ही कार्बोनेट है, अ 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड एट ए टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, द ऑब्जर्व्ड लॉस इन वेट, अपन को यहां पर गिवन था द ऑब्जर्व्ड लॉस इन वेट इज, लॉस इन वेट इज सपोज करते हैं अपन को गिवन है कि द ऑब्जर्व लॉस इन वेट, कुछ भी एक डाटा अपन को गिवन है दैट इज 0.9 grams, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिक्सचर। अब कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर का मतलब क्या हो गया हमारे लिए, तो कंपोजिशन का मतलब हो गया कि कितना परसेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट है और कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज द कंपोजिशन फॉर अस।
अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मैं मतलब ऐसे हर बार अपन इतना इतना बड़ा मतलब ऐसे लिखेंगे नहीं रिएक्शंस को, लेकिन कैसे गिवन होगा वो देखते हैं, मैं आपको कंसेप्ट कैसे बताऊंगा वो देखते हैं। मैं इसके आंसर के लिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपन कि मेरे पास 2 ग्राम मिक्सचर गिवन है और इस मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। तो मैंने इसमें लिखा कि भाई मेरे पास MgCO3 भी है और इसमें प्लस CaCO3 भी है, ये आपने कहा कि मेरे पास इन दोनों का मिक्सचर है और जब मैं इसको हीट करता हूं ना तो इससे ऑब्जॉर्ब्ड लॉस इन वेट इज 0.9। अब हम सब बता सकते हैं अच्छे से कि देखो आपको अच्छे से पता है कि भाई देखो अब सबसे पहले ये तो ये क्वेश्चन है और इसमें अपन को इन दोनों के परसेंटेज बता दें। सबसे पहला अपना क्या पॉइंट होगा, अपन कहेंगे भाई लॉस इन वेट किसकी वजह से होगा, तो अपन कहेंगे किसी भी सैंपल में लॉस इन वेट गैसेस की वजह से होता है। भाई अपन ने क्या किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया होगा तो उसमें क्या CO2 गैस बनता है। अपन सबको पता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखवाया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होंगे उनको जब डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, कैल्शियम इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, इससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो लॉस इन वेट जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ CO2। तो अपने पास क्या होगा, अपने पास एक बात आएगा, सिंस वी नो लॉस इन वेट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैसेस क्योंकि वो एस्केप कर जाते हैं एंड वाटर, तो अगर वाटर होता तो उसकी वजह से भी लॉस इन वेट होता, तो लॉस इन वेट जो होता है वो तो फॉर्मेशन ऑफ गैसेस या फिर राइट ना वाटर की वजह से होता है। तो पहले अपन हमको पता चल गया इसका, अब इसमें वाटर तो हो नहीं सकता, तो अपन को जो 0.9 ग्राम गिवन है ना वो क्या गिवन है, CO2 का मास गिवन है। 0.9 ग्राम किसकी वजह से होगा, गैसेस की वजह से। तो चलो देखते हैं अपन कैसे, मेरे पास यहाँ पर गिवन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड गिवन है मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसको अगर डिकम्पोज करूंगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है, बिल्कुल वैसे ही मैं लिखूंगा। अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है तो मैं लिख सकता हूं भाई कैल्शियम कार्बोनेट को लिखूंगा, ये भी सॉलिड है, इसको डिकम्पोज करता हूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये सॉलिड है प्लस CO2, ये भी गैस बनाया। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है अगर मान लेते हैं कि इसका x ग्राम है तो इसका कितना होगा 2 - x ग्राम, ये तो लिख ही सकता है ना अपन कि अगर मान लो अपने पास रिएक्शन में भाई टोटल मास ऑफ सैंपल कितना था 2 ग्राम, तो एक को x ग्राम मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 - x ग्राम हो जाएगा। अब अगर अपन को रिएक्शन पता है, इसलिए मैंने पहले आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बताए थे, अगर अपन को रिएक्शन पता है तो ठीक है भाई देखो इसका मास गिवन है, मैं इसका मास कैलकुलेट कर सकता हूं, बस रिएक्शन हमेशा रिएक्शन में जो भी कोरिलेशन होता है मोल्स के थ्रू होता है। अगर मुझे इसका वेट गिवन है तो मैं इसका मास कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो चेक करते हैं कैसे, अपन क्या करेंगे इधर से फॉर मैग्नीशियम पहले अपन CO2 कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम मैग्नीशियम, फिर CO2 कितना आएगा फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, और दोनों मास ऑफ CO2 का कितना होना चाहिए 0.9 ग्राम। तो चलो कैलकुलेट मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू कितना होगा x बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे नहीं भी लिखते तब भी आपको पता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना ग्राम गिवन है x डिवाइडेड बाय 84। अभी दोनों का मोलर कोफिशिएंट 1 है तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स इसके भी होंगे, सिंस मोलर कोफिशिएंट इज 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, अदरवाइज यू नॉट दैट हाउ टू कोरिलेट द मोल्स, इसके मोल्स डिवाइड बाय मोलर कोफिशिएंट इज इक्वल टू इसके मोल्स डिवाइड बाय मोलर कोफिशिएंट।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास मोल्स ऑफ CO2 या तो मास ऑफ CO2 कितना होगा, तो अपन को पता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट होता है, सो x by 84 इज द मोल्स ऑफ CO2, तो मास ये मोल्स थे, मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो आई गॉट दैट वेट इन ग्राम ऑफ CO2, दिस इज वेट इन ग्राम ऑफ CO2. मेरे पास एक इक्वेशन आ गया वेट इन ग्राम, जो मैंने कैलकुलेट किया किससे, मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितना ग्राम CO2 आएगा. अब मैं कैलकुलेट करता हूं कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम CO2 आएगा, तो अपन मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेते हैं, तो अपन अपने पास आया मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इसको लिखो वेट इन ग्राम कितना, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 100, तो मैं इसको लिख सकता हूं इसमें भी एक मोल से एक मोल ही CO2 दे रहा है, दोनों के मोलर कोएफिशिएंट सेम है, तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया. अगर मोल्स ऑफ CO2 आ गया तो अपन मास ऑफ CO2 लिख सकते हैं भाई, मास ऑफ CO2 फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिखे अपन, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 44, इतना ग्राम आ गया. अब ये इक्वेशन टू है. अब हमको पता है कि भाई इक्वेशन वन से मास ऑफ CO2 आ गया मेरे पास, ऑफ जो कि आया अपने पास मैग्नीशियम कार्बोनेट से. इक्वेशन टू से अपने पास CO2 आ गया फ्रॉम 10, तो ये जो लॉस इन वेट हो रहा था वो इन्हीं की वजह से तो हो रहा था, और यही तो था अपने पास 0.9 ग्राम. इसका मतलब है जो मास ऑफ CO2 इससे आया और जो मास ऑफ CO2 इससे आया उसको टोटल मास कितना होना चाहिए, 0.9 ग्राम. तो इसका मतलब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करके क्या कर दो आप, इक्वेट कर दो 0.9 ग्राम से, कर देते हैं भाई. तो इसमें अपने पास आया ये लिखते हैं अपन 44x डिवाइडेड बाय 84, सो 44x डिवाइडेड बाय 84 प्लस आया मेरे पास 44 into 2 minus x डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 0.9 ग्राम. तो फिर अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं भाई. ये अगर 88 होता तो 1 बाय 2 कर देता मैं, ये थोड़ा छोटा है तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो कैलकुलेशन करता है. अब ऐसे कर सकते, 2 से भी ऐसे करोगे आप, 2 से करोगे, लेकिन मुझे दिख रहा था ये 44 है ये 84 है, तो अगर ये 88 होता तो 1 बाय 2 लिख लेता, लेकिन ये थोड़ा 88 से छोटा है तो मतलब 1 बाय 2 से थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं 0.5 के आसपास आ जाएगा, 1 बाय 2 मतलब 0.5, उससे थोड़ा बड़ा, तो अपन ने लिख लिया. प्लस ये तो 44 बाय 100 है, मतलब मेरे पास 0.44 आ गया इंटू 2 माइनस एक्स, है ना, 2 माइनस एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.9. इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना ग्राम आया, इसको एक्स कितना आएगा इसमें, ये इक्वेशन अपन सॉल्व कर सकते हैं. बताओ x का वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू अपने पास मैग्नीशियम का मास आ गया, अगर x का वैल्यू आया तो अपने पास मैग्नीशियम का मास आ गया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि x कितना आएगा वो बताओ आप. ये 0.52 है, ये 0.88 हो जाएगा, माइनस 0.44x इज इक्वल टू 0.9. अब आपको मुझे x बताना है, कैलकुलेट करो और x को बताओ. देखो भाई x का वैल्यू अपने पास आना शुरू तो हो गया,
एक आंसर तो आ गया मेरे पास, मेरे ख्याल से सब मतलब एक ही, मतलब मैं वेट कर रहा था कि भाई कम से कम दो लोग तो बताएंगे बताएंगे, दोनों ने एक जैसा ही बताया, मुझे लगता है आंसर अपना सही आया, तो ये 0.25 ग्राम्स आ गया। सबको समझ में आया 0.25 ग्राम्स आया सबको, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मान लो अपने पास देखो 2 ग्राम में इसका मास कितना है 0.25, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1.65। भाई टोटल 2 ग्राम है ना सैंपल का मास, तो बियरेबल टोटल कि इसका मास अगर ये है तो इसका मास कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे इसमें तो लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट इसका मास कितना है एक्स, और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा मैग्नीशियम का, तो मैं इसको लिख लेता हूँ भाई, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 0.25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी इक्वल टू दैट इज 12.5%। तो फिर अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट 12.5% है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 87.5%। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है, सॉल्व करो। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? सर एक मिनट रुको, कॉपी कर लो। चलेगा चलेगा, आप मतलब उसमें इवन अगर कोई सेंटेंस में या कहीं कोई डाउट है तो आपको वो भी पूछना है। हो गया, चलो फिर अपन शुरू करते हैं, कैसे अपन को कैलकुलेट करना है वो देखते हैं, राइट? तो फिर क्या करेंगे, अब मैं ना आपको दूसरा क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन को ना जैसे अपन सॉल्यूशन में अपन ऐसे लिखा था ना, मतलब डायरेक्टली अपन वैसे भी बता सकते हैं भाई, तो अब अगर मैं पूरा क्वेश्चन ना भी लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है? अब जैसे मैंने वर्ड्स में लिख के आपको क्वेश्चन बताया था वैसे ही मैं तो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। अब दूसरे एग्जांपल में अपन चेक करते हैं कैसे गिवन है अपन को। अब मैंने एग्जांपल टू, मुझे इसमें भी ना ऐसे एग्जांपल टू में गिवन है एटोग्राम मिक्सचर ऑफ, इसमें भी मुझे ऐसे, अब वर्ड्स में लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिना दैट अभी आपने लिख के बताया था थोड़ा सा इजी आपने कर दिया था, जो वर्ड्स में लिखा होता है उसको थोड़ा सा अगर मैप टाइप लिख लें तो थोड़ा इजी हो जाता है। 2 ग्राम सैंपल ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 इज गिवन टू अस, ये मुझे क्या करना है, 2 ग्राम सैंपल। द ऑब्जर्व्ड लॉस इन वेट ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने से जो ऑब्जर्व्ड लॉस इन वेट हुआ दैट इज इक्वल टू 0.25 ग्राम्स। इसको अपन लिख लेते हैं द ऑब्जर्व्ड लॉस इन वेट, लॉस इन वेट
इज 0.25 ग्राम, ये इतना लॉस ऑफ वेट था भैया। ठीक है, अपन देखते हैं लॉस ऑफ वेट तो आपने बता ही दिया था कि लॉस ऑफ वेट किसकी वजह से होता है, गैसेस की वजह से होता है लॉस ऑफ वेट ना, लॉस ऑफ वेट गैसेस की वजह से होता है या वाटर की, वाटर तो है नहीं तो इसका मतलब कार्बोनेट दिख रहा है अपन को, तो इसका मतलब है कि आप डिकम्पोजिशन करोगे और कार्बोनेट को लिब्रेट करोगे, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई ठीक है आपने मुझे बताया, तो अब अपन चेक करते हैं कैसे करना है अपन को उसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या ना, मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कैसे क्या करना होता है, कार्बोनेट है तो डिकम्पोज कैसे होते हैं। अपन को पता है मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं टू गिव यू मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अल्कली मेटल कार्बोनेट में लिथियम के अलावा कोई डिकम्पोज नहीं होता, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है ना कि अल्कली मेटल कार्बोनेट में कोई भी डिकम्पोज नहीं होता है एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब ये तो डिकम्पोज होता नहीं, यही डिकम्पोज होगा क्योंकि ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2 लिखा ना अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, अपन को इंफॉर्मेशन निकलना है अमंग ये अपन को पता अल्कली मेटल कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट ओनली Li है ना, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज, सिर्फ लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होता है, बाकी कोई कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, ये अपन को पहले से पता है। अगर ये बात अपन को पहले से पता है तो अपन को पता है ये तो डिकम्पोज नहीं होगा, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना अपन। तो अपन लिख लेते हैं लेट मास ऑफ NaHCO3 इज X ग्राम एंड Na2CO3 इज 2-X ग्राम। तो वो थोड़ा ना अपन जानबूझ कैसे किया कि भाई इसको X ले लो क्योंकि इसी के कैलकुलेशन होने। तो पहले सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, रिएक्शन लिखो ताकि अपन को ये तो पता चले कि कौन से गैसेस है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन लिखेंगे रिएक्शन। तो देखो अब अपन को एक बात समझ में आ रहा है कि भाई इसका मतलब है जो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन मुझे बताए थे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता तो चले कौन कैसे रिएक्ट करता है, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, दोनों जैसे अपन को गिवन है तो अपन कहेंगे भाई अपने पास ऐसे गिवन आ गया, ये दोनों गिवन थे तो अपन लिखेंगे भाई इसमें से ये डिकम्पोज होगा तो रिएक्शन लिख लेते हैं। NaHCO3 डिकम्पोज होता है तो मैंने आपसे कहा कि ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। ओके, तो इसमें तो CO2 गैस है और सिंस आपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया है तो वाटर भी गैसियस स्टेट में वेपर्स के फॉर्म में एस्केप करेगा, इसलिए अपन ने लिखा था कि जो लॉस इन वेट होता है वो CO2 और वाटर दोनों की वजह से होगा, क्योंकि वाटर जो होगा वो जब आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वाटर तो 120 डिग्री के बाद तो वाटर तो एस्केप कर ही जाएगा क्योंकि 100 डिग्री तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए कम से कम आपने 500 डिग्री तो लिया ही होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है ना इसका एक्स ग्राम दे रखा है आपने, अब इसका एक्स ग्राम है तो इसके मोल्स और इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ रिएक्शन में, अब बता देता हूँ मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बताओ, तो इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें यह पता चल गया कि जो ये 0.25 ग्राम है ना ये इन दोनों का मास है, इन दोनों का मास मिला के मेरे पास 0.25 ग्राम है, जो लॉस इन वेट होगा वो इन्हीं की वजह से तो होगा। तो अपन क्या करें, मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, मोल्स ऑफ NaHCO3 लिखते हैं अपन, कितना हो जाएगा x वेट इन ग्राम हो गया, सो इसका वेट इन ग्राम्स जो गिवन है अपन को डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर लेते हैं, तो वेट इन ग्राम कितना हो गया x, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया सोडियम 23 और बाइकार्बोनेट 61 84। तो अपन को मास पता चलेगा, तो अपन क्या करेंगे इसके मोल्स आ गए, अब इसके मोल्स आ गए ना तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो कैसे,
तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ NaHCl3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1। इसके मोल्स कितने गिवन है अपन को? x by 84 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ CO2। लो भाई मोल्स ऑफ CO2 आ गया इक्वेशन 1। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, क्योंकि अपन को पता है ना ये इक्वेशन लिखना तो अपन को आता है, वो तो केमिकल रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं अपन। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज, फिर अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट ये डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब इसके लिए कोरिलेट करना है तो मोल्स ऑफ H2O, और मोल्स ऑफ H2O, H2O का मोलर कोफिशिएंट कितना है बैलेंस रिएक्शन में? 1। तो ठीक है मोल्स ऑफ H2O भी आ गए, ये मोल्स ऑफ H2O आ गया, तो मोल्स ऑफ H2O आ गया अपने पास कितना, दैट विल बी x बाय 84 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं मल्टीप्लाई 1 बाय 2, तो मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा x बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ H2O। वेट इन राम ना, अगर ने मल्टीप्लाई किया द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज हाउ मच, वी नो दैट। अब यहां पर भी ना अपन को मास ऑफ CO2 लिख लेना था, तो अगर अपने पास मोल्स ऑफ CO2 है तो मास ऑफ CO2 के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन लिख देते हैं भाई ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा मास ऑफ CO2 प्लस मास ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0.25 ग्राम। ये इक्वेशन है अपने पास, इन दोनों का जो मास होगा वो ऑब्जर्व डॉसिंग वेट होगा। चलो मास ऑफ CO2 कितना है, तो मोल्स कितने हैं CO2 के, x डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, ये तो इसके मोल्स हैं, मोल्स है ना, तो मास कितना होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? मॉलिक्यूलर मास से, तो लो कर दिया ये इसका मास आ गया प्लस, अब इसका मास ये लिखा अपने, और इसका मास कितना है अपने पास x बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 0.2। क्या करें अपन इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 से ना ये 22 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 84 को उधर ले जाते हैं तो मेरे पास कितना आ गया 22x प्लस 9x इज इक्वल टू 0.25 इंटू 84। 0.25 इंटू 84 इज वेरी इजी, तो 0.25 को 1/4 लिख दो, 0.25 को 1/4 लिख दो, तो 1/4 मतलब 84/4 हो जाएगा, 84/4 का मतलब कितना हो गया 21 हो गया, तो ये जो है ना दैट विल बी इक्वल टू 21। तो मेरे पास आया 22x प्लस 9x कितना हो जाएगा 22 प्लस 9x, सो पर लिखेंगे 31x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 21, x का वैल्यू आ गया आपने, तो अपने पास आ गया x इज इक्वल टू आया अपने पास दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 31, लो x आ गया अपने पास, x आया मतलब इसका मास आ गया, इसका मास आया तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर दो, तो अपन लिखेंगे इसमें 2/3 के आसपास आ रहा है, 2/3 इज इट इज नियरली 0.67, ये 66 ही लिख लेते हैं अपन, तो 0.66 आया, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ NaHCO3 x डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल, सो 0.66 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये लो भाई आपका आंसर आ गया। समझ में आया, किसी को डाउट नहीं, नियरली 33% आया, ठीक है ना, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एवरीबडी गॉट इट, मतलब नियरली अपन ने ऑलमोस्ट लिख लिया और अपना आंसर आ गया, और बता दो आप आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो नियरली अगर 33% आ गया तो अपन कहेंगे भाई इसका 33% है तो ऑब्वियसली बात है इसको अपन 67% सो डिपेंडिंग. तो इसका मतलब ये ना, ये कैलकुलेशन तो बड़ा इजी है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि लॉसन रेट किसकी वजह से होता है और मतलब रिएक्शन क्या होते हैं. ये कंपल्सरी है अपन को जानना कि भाई किसका रिएक्शन कैसे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले बताए थे, उसके बाद तो छोटा सा कैलकुलेशन होता है, विल गेट द आंसर. यस, अब जैसे मान लेते हैं अपन अब जरूरी नहीं कि मतलब सारे के सारे डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन ही कहते हैं, है ना. जरूरी नहीं कि सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से अपन को ऐसे भी गिवन हो सकता है. एक एग्जांपल 3 ले लेते हैं अपन, उसमें देखते हैं अपन को. सपोज 2 ग्राम सैंपल है मेरे पास, अब वो वर्ड्स में अपन लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वर्ड्स में. 2 ग्राम सैंपल ऑफ KCl प्लस NaCl मुझे दे रहा है, ठीक है ना. 2 ग्राम KCl प्लस NaCl अपन को गिवन होगा, राइट. तो अगर ये अपन को गिवन है तो अपन कहेंगे भाई इसको मैंने ना AgNO3 से लिया. अगर आप AgNO3 से रिएक्ट करोगे इसको तो इट गिव वी गेट द टोटल वी गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl. अब मुझे ना AgCl का मास गिवन है कि कितना मास ऑफ AgCl फॉर्म होता है, क्योंकि ये भी AgCl बनाएगा, ये भी AgCl बनाएगा. कैसे अपन को रिएक्शंस पता है, क्या करेंगे अपन, अपन कहेंगे सपोज हमें, ठीक है, अपन को मास AgCl गिवन है तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास KCl जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी AgCl बनाएगा प्लस के है. और अगर हम NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे और ये भी AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा AgCl प्लस NaNO3. अब अगर मान लो इसका x ग्राम ले रखा है मैंने, इसका 2-x ग्राम हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके इसका वेट आ जाएगा, इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे इसका वेट आ गया. दोनों को ऐड करो, जो वेट हमें गिवन होगा वो अपन इक्वेट कर लेंगे. सो वी गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एज सपोज करते हैं अपन की अपन को गिवन है x ग्राम, ये x की डिवीजन ऐसे लिख लेते हैं भाई a ग्राम के बराबर. तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं. और अब इसमें ये भी अननोन है, पर मतलब ये डाटा हमें गिवन होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू द कांसेप्ट कि हम क्या करेंगे. तो इसके मोल्स कितने हो गए, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे. थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं तो मैं वही लिखूंगा ऐसे, अब मतलब ज्यादा अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास NaCl है प्लस AgNO3, इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3. अपन क्या करेंगे, आपने कहा ना इसका x ग्राम होगा तो इसका 2-x ग्राम होगा, इसके मोल्स ये आ गए, ये इसके मोल्स. अभी मैं इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, वैसे दोनों का मोलर कोफिशिएंट 1 है तो मोल्स इक्वल होंगे, तो इसके मोल्स कितना आ जाएगा, x by 74.5, ये इसके मोल्स. तो इसका मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास, चलो मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मॉलिक्यूलर वेट से, लो भाई कर दिया, ये इसका ग्राम साहब
अब क्या करोगे, जैसे इसके मोल्स के मास कैलकुलेट किया वैसे इसका कैलकुलेट कर लूंगा, इसका कितना होगा, तो अपन कहेंगे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसके मोल्स आ गए, ये इसके मोल्स, इसका भी जितना मोल्स इसका है उतना ही मोल्स इसका होगा रिएक्शन में, क्योंकि मोलर कोएफिशिएंट दोनों के सेम है। तो इसके मोल्स कितने हो गए, तो इसके मोल्स हो गए अपने पास 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 58.5। तो इसका मास कितना होगा, अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 58.5, ये तो मोल्स हो गए इसके, मल्टीप्लाई का इसका मॉलिक्यूलर मास 143.5। और आपने क्या कहा था क्वेश्चन में, जब ये दोनों इससे रिएक्ट करेंगे तो AgCl का 1 ग्राम बनता है, ठीक, इन दोनों को ऐड करता हूं इक्वल टू ए कर देता हूं। अब ये ए का वैल्यू अपन को गिवन होगा, सिंस आई डोंट वांट टू रीड द डाटा बिकॉज मुझे एक्सेल डाटा उसका इसके मोल्स के हिसाब से कैलकुलेशन में थोड़ा सा उसको फिट करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। इफ यू गिव मी 2-3 मिनट्स मैं उसमें डाटा सेट करके पॉजिटिव आंसर आए ऐसे कर सकता हूं। तो मैं एक डाटा दे दूंगा ए का वैल्यू थोड़ा सा सोच के कि मतलब क्या आएगा, सो दैट कि x का वैल्यू मेरा नेगेटिव नहीं आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा तो अपन को लगेगा और नेगेटिव कैसे आ सकता है, राइट ना, तो उसको अपन को पता है कांसेप्ट वी आर राइटिंग कि ठीक है आप कुछ ना कुछ तो ऐसा डाटा देते हो जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि इसका कंपोजिशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है x और 2 माइनस x, इसको x ले लिया और इसको 2 माइनस x, तो मैं कंपोजिशन कुछ ना कुछ डाटा तो आप देते हो जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते, तो अपन को पता है भाई आपने यहाँ पर ये इक्वेशन इन दोनों को ऐड करेंगे एंड विल राइट दैट दैट विल बी इक्वल टू ए ग्राम, उससे आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख दोगे दैट इज एक्स बाय 74.5 इनटू 143.5 प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 58.5 इनटू 143.5 इक्वल टू ए ग्राम। तो अब ए का वैल्यू आप दे दो तो हम कैलकुलेट करके बता देते हैं भाई कितना आना चाहिए आंसर अपना, तो अपना आंसर आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी आई एम राइटिंग कि भाई अपने पास क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा कैलकुलेट करके बता देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमको परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन के क्वेश्चन से पूछते हैं, राइट, सो गिवन वैल्यू ऑफ ए गिवन वैल्यू ए इन क्वेश्चन सो दैट वी कैन कैलकुलेट एक्स कैलकुलेट एक्स का, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ केसीएल विल बी इक्वल टू केसीएल का परसेंटेज कितना लिखेंगे अपन एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई दैट इज द परसेंटेज ऑफ केसीएल। तो ठीक है आप एक वैल्यू दे दो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। अब मैं एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन जिसमें अपन लिखते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि भाई अपने पास ऐसे गिवन है, मैं इसको बता देता हूं और चेक करते हैं अपन, एग्जांपल 4 लिख लेते हैं अपन उसे। अब एग्जाम्पल 4 में फिर मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताऊंगा पहले, उसके बाद अपन फिर राइट पहले एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं अपन और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास ऐसे गिवन है इक्वल वेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर को ऐसे लिख लो S and O2। अब आपको गिवन है इक्वल वेट, इक्वल वेट में अपन कोई भी वेट ले सकते हैं। S and O2 reacts completely to form SO2 and SO3, right? SO2 and SO3. Calculate the molar ratio. Calculate the molar ratio. Ratio
SO2 and SO3 formed in the reaction. ठीक है ना? अब इस टाइप के क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो हमें कोई डाटा गिवन नहीं, कोई नंबर नहीं दिख रहा आपको, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है और मुझे क्वेश्चन को बताना है. ठीक है, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, आपने मतलब काफी सारा पार्ट तो मुझे बोल के दिखा दिया, उसमें जो अपन को गिवन है चेक कर लेंगे उसमें क्या बोलना चाहते हो आप. तो ये तो बताया ना मुझे कि भाई सल्फर और ऑक्सीजन का इक्वल वेट रिएक्ट करेगा, ये तो आपने दे रखा ना क्वेश्चन में. तो आपने मुझे, मैंने आपको कहा हमेशा आप क्या करोगे, हमेशा आप सेपरेट रिएक्शन लिखेंगे फॉर गिवन कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, या फिर हमको गिवन मिक्सचर फॉर्म करना है, रिएक्शन अपन हमेशा सेपरेट लिखेंगे. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सल्फर को रिएक्ट करते हैं O2 के साथ. मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, आपने कहा सल्फर को O2 के साथ रिएक्ट करो तो SO2 बन जाए एक बार, और फिर आपने कहा सल्फर को O2 के साथ रिएक्ट करो तो एक बार SO3 बन जाए. ठीक है, बना देते हैं, लेकिन अभी मैं बैलेंस कर लेता हूँ. यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो मैं इसको 3 कर लेता हूँ, इसको ट्वाइस करके मैं इसको ट्वाइस कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास. अब मैंने क्या अज्यूम करना है, मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं यहां पर कि लेट राइट ना 1 ग्राम ईच ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. भाई हमने अज्यूम कर लिया, आपने कहा था ना इक्वल वेट होना चाहिए दोनों का रिएक्ट. ठीक है, तो मैं 1 ग्राम ले लेता हूं, अगर मेरी मर्जी में उसको 1 ग्राम भी ले सकता हूं कि दोनों के ए ए ग्राम प्रेजेंट है या एक्स एक्स ग्राम प्रेजेंट है. जब आपने लिखा हुआ है इक्वल वेट है दोनों का तो चलो 1 ले लेते हैं. 1 में क्या होता है कि मुझे कैंसिलेशन के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते, तो मैंने क्या किया दोनों का इक्वल वेट लेना है तो ठीक है दोनों का अपन इक्वल वेट ले लेते हैं. तो इक्वल वेट इक्वल मोल्स इस टाइप का कभी कभी अपन को क्वेश्चन में लिख देते हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा डाटा देने की जरूरत नहीं पड़ती है नंबर्स की, हम इक्वेट करके काफी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एक काम करते हैं, इसमें तो इसका भी टोटल 1 ग्राम यूज होगा, इसका भी टोटल 1 ग्राम यूज होगा, और ये दोनों बनेंगे, दोनों का इक्वल वेट है. अगर आपने 1 ग्राम लिया है तो आपने 1 ग्राम सल्फर लिया है 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, और दोनों रिएक्शन में मिला के सल्फर 1 ग्राम होगा, दोनों रिएक्शन में मिला के टोटल ऑक्सीजन जो रिएक्ट करेगा वो 1 ग्राम होगा, और कंप्लीटली रिएक्ट करने है और डाटा फॉर मोर देन 1 रिएक्टेंट गिवन है, तो मुझे तो लिमिटिंग रिएजेंट भी चेक करना चाहिए, लेकिन आपने लिमिटिंग रिएजेंट की बात ही नहीं की, आपने तो ये कहा है रिएक्ट कंप्लीटली, मतलब उनको पूरा रिएक्ट करना चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे नाउ लेट X ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स टू फॉर्म SO, देन 2 - x 1 - x, टोटल 1 था, ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट्स टू फॉर्म SO. ठीक है भाई, तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे लिख लेते हैं कि इसमें आप कह रहे हो कि सल्फर ये X ग्राम रिएक्ट करेगा और ये 2 - x ग्राम रिएक्ट करेगा, ये आपने बोला है उससे. ठीक है, किसी का डाउट नहीं? ठीक है भाई, सर मैं 1 - x, हाँ 1 - x राइट ना. अभी वैसे मैं इसको हटाने ही वाला था इसको, क्योंकि अपन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मतलब कैसे मोल्स वगैरह आपको कोरिलेट करना तो आता ही है, तो मैं ना इसी रिएक्शन में थोड़ा सा इसी रिएक्शन में कैलकुलेट करके बता देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ इसको. तो मेरे ख्याल से अपन को अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा. अब देख अपन क्या करेंगे, अपन को एक बात तो पता है अच्छे से कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये टोटल कितने ग्राम था, 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा था, तो ये 1 - x ग्राम, और ये भी टोटल कितना रिएक्ट कर रहा था, तो ये भी 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा था, मतलब 1 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम होना चाहिए ना दोनों को,
आपने लिखा ना दोनों का इक्वल मास है, तो अब हम क्या करते हैं इसके मास से इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके मास से इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों का मास कितना होना चाहिए 1 ग्राम होना चाहिए, वही इक्वेट कर देते हैं। तो इसके मास से इसका मास कैलकुलेट करने का मतलब है कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी कोरिलेशन होता है वो हमेशा मोल्स के थ्रू ही होता है। चलो इसके मोल्स x बाई 32, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। तो इसके मोल्स x बाई 32, इसका मास ये तो बड़ा अच्छा आया x बाई 32 इंटू 32 आ गया, ये इसका ग्राम। अब अगर यहां बात करते हैं इसके मोल्स डिवाइड बाई 32, अब लेकिन इसके मोल्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर लेता हूं, ये ऐसे सर्किल वर्ड देखिए ना, तो 1-6 था डिवाइड बाई 32, ये इसके मोल्स है। अब इसके मोल्स से मुझे इसके मोल्स लिखने, कैसे लिखूं तो पता तो है कैसे लिखते हैं भाई, मोल्स ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट। इसके मोल्स मुझे गिवन है, ये O2 के मोल्स चाहिए तो 2/3 टाइम्स कर देते हैं, तो फिर क्या करेंगे इधर 3/2 टाइम्स है ना, तो 3/2 टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके मोल्स मुझे गिवन थे तो इसके मोल्स आ गए, तो इसके मोल्स कितने आ गए मेरे पास 3/2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर, दैट इज इक्वल टू 1-6 डिवाइडेड बाय 32। तो इसका मास कितना होगा, तो फिर कहेंगे इसका मास ये वाला पार्ट में बता देता हूं, ये अपन को आता है, सभी को कोरिलेट करना आता है, सभी को आता है ना कोरिलेट करना मोल्स एक ही इक्वेशन में, तो इसका मास 3/2 इंटू 1-6 डिवाइडेड बाय 32 और मल्टीप्लाई हो गया 32, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 32। तो अब अपन क्या करेंगे इसका भी ग्राम आ गया, अब दोनों मास जो ऑक्सीजन के होंगे वो कितने होंगे 1 ग्राम, बताए ना इक्वल वेट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म SO2 एंड SO3। तो अपन क्या कर रहे हैं इसमें, इस केस में अपन ने कहा कि भाई देखो सल्फर का मास अगर टोटल 1 ग्राम है तो ये x ग्राम, ये 1-6 ग्राम, तो इसके मोल से इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके मोल से इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके जो मोल्स अपन ने डिवाइड किया यहां पर वो 1 ग्राम से है, तो इसके जो मास टोटल आएंगे ना इसके 1 ग्राम रिएक्ट करने से वो टोटल मास कितना होना चाहिए 1 ग्राम। तो अपन क्या करते हैं चलो ऐड कर देते हैं, तो मास ऑफ O2 रिएक्टेड इन दिस, मास ऑफ O2 रिएक्टेड इन दिस शुड बी इक्वल टू 1 ग्राम। बड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो रहा है तो हम उसे कर ही देते हैं, ये कर तो अपन का यहां पर अपन लिखते हैं मास ऑफ O2 फर्स्ट रिएक्शन, मास ऑफ O2 सेकेंड रिएक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच 1 ग्राम होना चाहिए टोटल, क्योंकि टोटल O2 कितना होना चाहिए 1 ग्राम, तो अपने पास ये कितना है x, ये कितना है अपने पास दैट इज 3/2 इंटू 1-6 एंड दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अब मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू देखो भाई कितना आया, आ गया ना अपने पास x का वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे सब कुछ अपन आया ना, क्या करना है अपन को, सो x आ गया अपने पास दैट इज इक्वल टू ने यहाँ पर लिखा, इसको उधर ले जाएंगे तो 0.5 आएगा, इधर कितना है अपने पास x माइनस y तो 0.5, तो x का है अपने पास 1 ग्राम, x अपने पास कितना आ रहा है मतलब हमारा x माइनस 1.5x, 5 राइट ना 5x इज इक्वल टू 1-1.5,
ये कितना है अपने पास माइनस 0.5x है ना, तो अपन कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू दैट इज राइट, सो वी गेट दैट इट विल बी इक्वल टू 0.5, सो x विल बी इक्वल टू अपने पास आ रहा है 1 ग्राम। लो भाई अपने पास x 1 ग्राम आ रहा है, टोटल आना ही चाहिए। इसका मतलब है इधर रिएक्शन करोगे तब भी कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, इधर रिएक्शन करोगे तब भी कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, तो जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके हैं। SO2 बिल्कुल नॉट द आंसर राइट ना, किसी को डाउट नहीं, सो वी कैन राइट द क्वेश्चंस लाइक दिस। अब इसमें एक्चुअली दोनों के मॉलिक्यूलर मास एक जैसे थे ना, इसका भी 32 था इसका भी 32 था, इसलिए दोनों का x वैल्यू बनाना ही चाहिए था वैसे, बस मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको थोड़ा सा, और कंसेप्ट अपन एक दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसमें ये डाटा बड़ा मतलब थोड़ा सा, क्योंकि इसके कोई छोटा कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें जनरली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूलर मास थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए अपन मतलब इसलिए मैंने उसको सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से कंसेप्ट बताया, वरना अपन ऐसे लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं अपन। तो अपन इसमें ना इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इक्वल वेट ऑफ मर्करी, अब ये इसका ही मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 200 हो जाएगा, 200.5 होता है, और इक्वल वेट ऑफ मर्करी एंड आयोडीन रिएक्ट्स कंप्लीटली टू फॉर्म मर्क्यूरस आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड। अब इसमें मॉलिक्यूलर मासेस थोड़े बड़े हो जाएंगे इसलिए वो थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन में, कैलकुलेट द मोलर रेशियो ऑफ Hg2I2 दैट इज मर्क्यूरस आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो ये मर्क्यूरस है, मैं यहां पर लिख रहा हूं मर्क्यूरस और ये मर्क्यूरिक है। अपन को पता है अस मतलब होता है छोटा ऑब्जर्वेशन सेट, एक मतलब होता है बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन सेट। अब अपन फिर उसमें बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी कैलकुलेट कर देते हैं, देखना कंसेप्ट विल रिमेन सेम, इसमें दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम था इसलिए अपन को ऐसे लग रहा था, बट इस केस में मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है, इट इज डिफरेंट। मैं देखते हैं अपन है, तो अपन से कहा गया कि भाई इक्वल वेट है, अब थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन देखते हैं क्या करना है। सो Hg+I2 आपको सेपरेट रिएक्शन लिखने, यू विल गेट Hg2I2, ये मर्क्यूरस आयोडाइड है, आपने ऐसे लिख लिया। अब बिल्कुल कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस मॉलिक्यूलर मासेस चेंज हो जाएंगे। अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई यहां पर Hg+I2 ये मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये Hg I2। अब मैं कंसेप्ट अगेन 1 ग्राम ईच ऑफ मर्करी एंड आयोडीन ले लेते हैं भाई अपन, बिल्कुल ऐसे ही देखो, लेट द मास ऑफ x ग्राम ऑफ मर्करी अपन ले लेते हैं, रिएक्ट्स टू फॉर्म Hg2I2 और 1 माइनस x फॉर Hg I2। ठीक है भाई, इसमें ऐसे कर लेते हैं, क्या करना होता है अपन को भाई, अपन ना एक को कंप्लीटली कंज्यूम करवा के दूसरे का मास कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे इक्वेट करवा देते हैं इससे 1 ग्राम से, तो चलो ये जो भी मास गिवन होगा जैसे इक्वल मास गिवन था अपन को, इसको आपने कहा x ग्राम यूज किया और इसको आपने 1 माइनस x ग्राम यूज किया। अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बताऊंगा जैसे आपको पहले आपको बताया, क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने बता ही रखा है आपको, तो अपन क्या करोगे भाई, इसका एटॉमिक मास मुझे गिवन है एटॉमिक वेट ऑफ Hg इज इक्वल टू 200.5 होता है, मैं 200 लेने वाला हूं, एंड आयोडीन I का मास होता है 127। ये मुझे एटॉमिक मासेस गिवन थे क्वेश्चन में ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर पाए, तो इसका मास मतलब इसके मोल्स ही आ गए और इसके मोल्स ही आ गए, मुझे लगता किसी को डाउट होगा क्या किया मैंने। अब अपन क्या करेंगे, इसके मोल से इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे और इसका मास, और इसके मोल से इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे इसका मास, तो दोनों का मास टोटल कितना होना चाहिए 1 ग्राम, लिख लेते हैं भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसके मोल्स हो गए 1/2 इंटू एच बाय 200 इसके, और इसके मोल्स कितने हो गए 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 200 इतने, क्योंकि इसका वन मोल इसका वन मोल,
अब दोनों के मोल्स आ गए आगे ना, तो ये अपने पास मोल्स थे। अब मैं इसका ना वेट चाहता हूं, वेट तो क्या करो, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो भाई, ये आ गया। कैसे भाई? ये मोल्स हैं, एक आयोडीन आपने 127 बताया, तो आई टू 254 आ जाएगा, वेट। इधर कितना आयोडीन का मास रिएक्ट करेगा वो मेरे पास आ गया। अब इधर कितना आयोडीन का मास कैलकुलेट किया वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो इसका वेट यहाँ कितना आएगा, तो अपन कहेंगे लो भाई ये तो इसके मोल्स थे, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 254 से। अब इन दोनों का मास, जो ये दोनों मास रिएक्ट कर रहे हैं, वो कितना ग्राम आना चाहिए अपने पास, तो अपन कहेंगे वो आपने कहा था इक्वल वेट। और अगर इसका 1 ग्राम लिया आपने टोटल, तो इसका भी टोटल कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। मतलब इन दोनों का सम मेरे पास 1 ग्राम आने वाला है। ठीक है, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। ये लो भाई, अपने पास इधर कितना आयोडीन रिएक्ट किया, 1/2 × x/200 × 254 प्लस इधर आया 1 − x/200 × 250 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 1 ग्राम। तो ठीक है, 200 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, 200 को उधर लेके जाते हैं, तो विल गेट दैट 254 / 2 × x + 1 − x × 254 = 200। ये आया अपने पास इक्वेशन। चलो भाई इसको अपन क्या करते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, है ना। तो इसको अपन लिख लेते हैं 127। तो ठीक है, विल राइट दैट 127 x + 254 − 254 x = 200। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो अपने पास कितना आया, इसको माइनस करूंगा तो दैट विल बी −127 x = आया मेरे पास 254, इधर लेके जाऊंगा तो इट विल बी −54। सो एक्स विल बी इक्वल टू दैट विल बी 54 / 127। जरा कैलकुलेट करो और देखो मेरा आंसर कितना आया, द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वन से काफी छोटा आएगा, क्योंकि इस केस में मास का डिफरेंस काफी था ना, इसलिए इसमें आंसर ऑब्वियसली बात है डिफरेंट आएगा। तो आपका आंसर कितना आया वो बताओ मुझे। कितना आया अपना आंसर, उसे थोड़ा ज्यादा आ रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई अपना आंसर आ रहा है 0.425। ये लो, एक्स का वैल्यू आया अपने पास 0.425 ग्राम। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 ग्राम में से 0.425 ग्राम यहां रिएक्ट किया मरकरी का, और बाकी बचा हुआ यहां रिएक्ट किया। समझ में आया? तो 0.575 इधर रिएक्ट करेगा, 0.425 इधर रिएक्ट करेगा। अब अपन दो क्वेश्चन में क्या बताना था, इनके मोलर रेशियो। हाँ तो ठीक है ना, इधर 0.425 और इसके मोल्स अगर अपन को लिखना है तो लिख सकते हैं अपन ऐसे, मोल्स ऑफ HG2I2
जितना इसका मोल्स होगा उसका हाफ मोल्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू x बाय 200. x अपने पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू 0.425 डिवाइड बाय 200. ये आ गया इसके मोल्स. और बिल्कुल वैसे ही अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ HgI2. ये मोल्स ऑफ HgI2 कितना है, HgI2 आ गया अपने पास. तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके होंगे, तो 1 माइनस 0.425 है ना, तो सीधा ही लिख देता हूं मैं 1 माइनस 0.425. चलो पहले लिख लेते हैं अपन 1 माइनस x डिवाइड दैट इज इक्वल टू 0.575 डिवाइडेड बाय 200. लो भाई आपने दिस अपॉन दिस पूछा है, हो गया मेरा काम. ओके ना, आपने यही तो पूछा है, तो पता आंसर बता दिया भाई कि दिस, क्योंकि इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसके मोल्स, यही रेशियो पूछा था आपने, द मोलर रेशियो ऑफ मर्क्यूरस आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड. आगे अपने पास 200 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी अपन लिख लेंगे. आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है ना. तो ये परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में थोड़ा सा अपन को प्रिकॉशन लेना होगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो अपना आंसर हमेशा आ जाएगा. किसी को डाउट है, राइट? तो पड़ेगा. सो दैट इज ऑल व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इन द क्वेश्चंस, राइट. अब अगर हम इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा डिकम्पोजिशन से लॉस इन वेट होगा, कभी कभी गेन इन वेट भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा अपन को अगर गिवन है ना. तो जैसे अगर मान लेते हैं अपन इसे, एक गेन इन वेट वाला पार्ट भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि लॉस इन वेट ही होगा, और गेन इन वेट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को. जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे द असेंबल ऑफ, ठीक है, असेंबल ऑफ फेरस ऑक्साइड Fe होता है एंड Fe3O4. तो ये तो फेरस ऑक्साइड है और ये Fe3O4 है, ठीक है, इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ O2, और वी कैन राइट एयर भी लिख सकते हैं इसमें. द ऑब्जर्व्ड गेन इन वेट, अब गेन इन वेट बोल रहा है, द ऑब्जर्व्ड गेन इन वेट इज, ऑब्जर्व्ड गेन इन वेट इज 5%. ठीक है भाई, आपने मतलब कहा कि मेरे पास जो सैंपल गिवन था उसमें वेट इन वेट गेन इन वेट कितना हो गया, 5% हो गया. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ FeO इन सैंपल, सैंपल या गिवन मिक्सचर, वॉट एवर वी हैव टू राइट, वो अपन को इन द गिवन सैंपल लिखें या कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर लिखें, सब हमारे लिए एक ही बात है कि भाई आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप मुझसे पूछ रहे हो कि वॉट इज द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द गिवन मिक्सचर, वही पूछ रहे हो आप, ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली बात अपन को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है. अपन को एक बात पता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये O2 से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड O2 से रिएक्ट करके हमें कैसे पता चला कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जब अपन कहते हैं ना कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कार्बन का, उससे ज्यादा वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता. बाद में अपन इसमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह करेंगे इन्वॉल्व, वो नेक्स्ट क्लास में अपन को कुछ ऐसे पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, पर वो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो अगर ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो रिएक्ट नहीं करेगा. बट अभी अपन को फिर होगा कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है,
तो अपन कहेंगे अभी उसको अपन इस फॉर्म में पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, विन होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन है। कार्बन को अगर कंप्लीटली बर्न करोगे तो CO2 से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये अपन को पहले से पता। बिल्कुल वैसे ही आयरन के साथ क्या होता है कि आयरन में जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइज फॉर्म ये होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन अपन को पता है, इट इज Fe2O3। मतलब इसका रेशियो जो है वो 2:3 का रेशियो हो जाएगा, तो 2:3 के रेशियो में अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें ना कार्बन का ऑक्सीडेशन जो है ना, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब बनाते हैं अपन, तो अपन को पता है कैसे लिखते हो, है ना, अपन ने CO2 लिखा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन जब बनाते हैं तो अपन को पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो पहले अपन इसको हटा देते हैं और फिर बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने कार्बन लिखा तो कार्बन तो +4 था, एक ऑक्सीजन -2 होता है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ना ये नेगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बनाने के लिए। तो अपन क्या करते हैं इसको ना कार्बन को ऐसे लिखेंगे, कार्बन हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 4, तो इसको अपन को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, अगर न्यूट्रल है ना तो ये हो जाएगा CO2, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे अपन ऐसे बनाते हैं और छोटे क्लासेस में सीखते हैं अपन कि एल्यूमिनियम सल्फेट बनाओ कैसे बनेगा, तो अपन क्या बोलते हैं इसको 3 लिखो इसको 2 लिखो तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा, ऐसे तो बनाते हैं अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो अपन को पता था कि आयरन जो है ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +3 होता है और ऑक्सीजन का -2। तो अगर अपन इसमें देखेंगे तो इसमें ये रेशियो नहीं आ रहा है 2:3 का रेशियो, ये 2:3 का रेशियो नहीं आ रहा है, 2:3 की जगह छोटा रेशियो आ रहा है, 3:4 आ रहा है। मतलब अगर अपन इसका रेशियो अज्यूम करें तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें कितना आ रहा है, ये 3:4 आ रहा है ये आयरन, तो इधर कितना आ रहा है 4:3 आ रहा है, तो रेशियो उधर 3 नहीं आ रहा, इधर आना चाहिए था +3, लेकिन वहां पर कुछ और ही आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे आयरन जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से बता सकते हैं अपन, कैसे थोड़ा आइडिया होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का सबको, मैं यूज कर सकता हूं फॉर दिस पार्ट। तो Fe में O, ये +2 है ये -2 है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कब तक रिएक्ट करेगा जब तक ये +3 ना हो जाए। तो अपन कहेंगे इसमें ये रिएक्ट करेगा क्या Fe3O4, तो अपन कहेंगे Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 8:3 है, अगर 8:3 है तो ये 3 से छोटा है, मतलब ये भी रिएक्ट करेगा, अगर ये 3 से छोटा है तो ये भी रिएक्ट करेगा 8:3 है, जब तक आयरन ऑक्सीजन से तब तक रिएक्ट करेगा जब तक कि वो +3 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, अगर +3 से छोटा है तो आयरन रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, फिर वो रिएक्ट करेगा। तो अपन क्या करेंगे, आयरन रिएक्ट करेगा तो ये बात। अब एक और बात होती है कि जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे Fe को O2 से रिएक्ट करो तो FeO बनता है, Fe को O2 से रिएक्ट करो पानी के प्रेजेंस में तो Fe3O4 बनता है, Fe2O3 बनता है। तो Fe3O4 कब बनता है, तो अपन कहेंगे Fe को ना स्टीम से रिएक्ट करो, ये स्टीम होता है, अगर स्टीम से रिएक्ट करोगे तो Fe3O4 बनेगा, ये मैंने आपको बताया। और ध्यान रखना, मैं कोई भी रिएक्शन में ना ये सब जो पार्ट बताता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अभी अपन जो भी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखना कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ साथ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा हमेशा सोचता है पता नहीं सर करना क्या है, ये तो रटने वाला पार्ट होता है, रटने वाला पार्ट नहीं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा रहे हैं आप, सारे रिएक्शंस बता रहे हैं मुझे, कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कैसे बताऊंगा कि कौन रिएक्ट करता है कौन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, ये सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री अपना खत्म होगा ना, तो इट मींस योर 70% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड, आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा मैं कि देखो मैंने आपको बताया है।
वरना मैं सीधा क्वेश्चन शुरू हो जाता, मुझे क्या फर्क पड़ता आपको सारा फर्क बताने की जरूरत है, उसकी जरूरत है क्योंकि जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको मतलब लिखेंगे कि भाई देखो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई Fe3O4 कब बनता है, Fe2O3 कब बनता है और FeO कब बनता है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे मुझे मिलेगा FeO, अगर आप इसे ऑक्सीजन के साथ थोड़ा वाटर भी होगा तो Fe2O3 होगा, और अगर ऑक्सीजन के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे आयरन को तो फिर Fe3O4। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स अपन को क्वेश्चन में पता होना चाहिए फिर कब क्या बनता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इधर। हमें यह पता चल गया इतना डिस्कशन के बाद कि दोनों ही रिएक्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ। अपन कहेंगे FeO plus O2 will give you Fe2O3 और इधर भी Fe3O4 will react with O2 to give you Fe2O3, क्योंकि कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे मैक्सिम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वो मैक्सिम क्या बनाएंगे वो Fe2O3 बनाएंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। आयरन का कोई भी ऑक्साइड होगा या आयरन होगा अगर उसे मैक्सिमम ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो उसे Fe2O3 बनाना पड़ेगा। अपन ने क्या कहा, अपन कहेंगे भाई देखो पहले अपन बैलेंस कर लेते हैं, इसको ट्वाइस करते हैं, इसको 1/2 कर लेते हैं। 1/2 मतलब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को हटा देते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, वैसे तो ये बैलेंस हो गया इसमें है ना, इसको अपन क्या करते हैं Fe2O3 और ये 3 था और ये 2 था और इसको 1/2 लिखेंगे तो बैलेंस हो गया। अपन क्या करते हैं इसको फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, इसको 4 कर लेते हैं और इसको 6 कर देते हैं, ये लो भाई आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। जिसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ना उसमें सबसे पहले आप क्या बैलेंस करो भाई, ये तो एलिमेंट है ना, ये तो मैं कभी भी बैलेंस कर लूंगा, कुछ भी लिख दूंगा इसके लिए। पहले मैं वो बैलेंस करता जो आयरन है, तो यहाँ पर 3 है वहां पर 2 है, तो इसको 3 लिख दो तो 6 हो गया, इसको 2 लिख दो तो 6 हो गया, मैंने बैलेंस कर लिया। अब मुझे ऑक्सीजन, यहाँ 8 ऑक्सीजन थे या 9 ऑक्सीजन थे तो मुझे एक और ऑक्सीजन चाहिए तो 1/2 कर दिया, लेकिन मैंने कहा फिर फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, अपन क्या करते हैं पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो बन गया मेरे पास ये रिएक्शन। एक बात अब अपन देखते हैं, एक बात, अ सैंपल ऑफ दिस एंड दिस इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द ऑब्जर्व्ड गेन इन वेट इज 5%। अब ऑब्जर्व्ड गेन इन वेट का मतलब है कि ये दोनों मिला के, पहले अगर आपके पास 100 ग्राम था तो ये दोनों मिला के अब आपके पास कितना हो जाएगा, 105 ग्राम हो जाएगा, ये ऑब्जर्व्ड गेन इन वेट का मतलब। तो ये जो 5 ग्राम आया है ये है क्या, तो फिर कहेंगे ये है 5 ग्राम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब टोटल सैंपल पहले कितना था, 100 ग्राम, बाद में कितना हो गया, 105 ग्राम, क्यों, क्योंकि आपने बताया ना 5% गेन इन वेट होता है। आप इसको 1 ग्राम ले लो तो मैं इसको 1.05 ग्राम बना दूंगा, तो ठीक है भाई। तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपन को परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि इस 100 ग्राम में इसका कितना ग्राम है और इसका कितना ग्राम है, कर लेंगे फिर अपना वही पता। अपन क्या करेंगे, इसको x ग्राम ले लेते हैं, इसको 100 माइनस x ग्राम ले लेते हैं, लो कैलकुलेशन हो। और भी अच्छा होगा अगर अपन 1 से सॉल्व कर लें कि भाई इसको अगर मैं 1 ग्राम ले लेता तो इसको मैं 1 माइनस x ग्राम ले लूंगा तो मैं इसको 1.5 ग्राम बना दूंगा सैंपल। अब अपन क्या करेंगे, मुझे ना x का वैल्यू चाहिए, x आ जाए तो मेरा काम हो जाए, x आ जाए तो मेरा काम हो जाए, तो अपन कहेंगे x के लिए इनसे क्यों कैलकुलेट करना है, O2 से ही कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको पता तो है कि अगर मान लो ये 1 ग्राम सैंपल है तो इसका कितना ग्राम ऐड हुआ होगा, 0.05 ग्राम, इतना ऑक्सीजन ऐड होगा तो आपके पास 1.05, मतलब इसमें इसका 5% और ऐड कर दो तो यू गेट दैट, आपकी मर्जी आप जैसे चाहो सॉल्व करो क्वेश्चन। आप 100 से सॉल्व करना चाहते हैं 100 से कर लो, आप 1 से सॉल्व करना चाहे 1 से कर लो, 1 ग्राम से मेरे पास x ग्राम आ गया, मैं 100 से मल्टीप्लाई करके बता दूंगा उसका कितना ग्राम, परसेंटेज बताना ना अपन को तो, और इनिशियल सैंपल ही 100 ले लेंगे तो वही परसेंटेज हो गया। तो चलो अपन कैलकुलेट करते हैं।
अगर इसका x ग्राम है और इसका 1 माइनस x ग्राम है, तो अपन O2 से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपकी मर्जी, आप जिससे कैलकुलेट करो। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया तो था कि अगर इसका टोटल 1 ग्राम है और उसका 0.05, पहले आप इक्वल वेट बोल रहे थे, अभी इसका 1 ग्राम लेके इसको क्या करना है 0.05, तो इसके मास से इसके मासेस कैलकुलेट करते हैं और उस टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन को किससे इक्वेट कर देंगे 0.05 से। हो गया मेरा, लिखते हैं मोल्स ऑफ एफ ई ओ इक्वल टू कितना, x बाय 56 प्लस 16 272, ये आ गया उसका मतलब। जितने मोल्स एफ ई ओ के होंगे तो चलो भाई लिखते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ O2, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 1/4, जितने मोल्स इसके उसके मोल्स 1/4 है, तो 1/4 इनटू x बाय 72। अपन को कैलकुलेट करना आता है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, मोल्स ऑफ FeO डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2, उसका मोलर कोफिशिएंट 1, तो इसके मोल्स मुझे x बाय 72 गिवन थे, तो इसके मोल्स कितने हो गए, तो x बाय 72 डिवाइड बाय 4 लिखा मैंने पक्का। तो मास ऑफ O2 कितना आएगा, तो लिख देंगे भाई मास ऑफ O2 मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, 1/4 इंटू एक्स बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 32, ये लो भाई मास ऑफ O2 आ गया इस रिएक्शन में। दूसरे रिएक्शन में मोल्स ऑफ Fe3O4 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, आयरन 3 और ऑक्सीजन 4, तो 18 2 आ गया अपने पास 2 कैरी, तो 15 प्लस 6 22 ये तो ठीक है, जितने मोल्स इसके मोल्स होंगे उसके 1/4 मोल्स इसके होंगे, इसके भी वैसे ही आ गए अपने पास, तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया अपने पास, तो मैंने कहा मोल्स ऑफ O2 इज 1/4 इनटू 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 232, तो मास ऑफ O2, तो अपन कहेंगे मास ऑफ O2 मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 232 मल्टीप्लाई बाय 32 कर दो, ये लो भाई इतना का आंसर है, दोनों का ऐड करो ये व्हाट द आंसर, कितना दोनों मास को ऐड करो, क्योंकि ये ऑक्सीजन का मास और ये ऑक्सीजन का मास, टोटल मास कितना है ऑक्सीजन का 0.05, क्योंकि जो गेन इन वेट हुआ होगा 5% वो ऑक्सीजन का मास ही तो ऐड हुआ होगा कंजर्वेशन ऑफ मास में, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे दैट इज मोल्स ऑफ मास ऑफ O2 है इधर, तो मैं कुछ यहाँ कैलकुलेशन कैंसिलेशन हो रहा है कर दूं, ये 4 और ये 8 इसको भी कर देता हूं, ये 4 और ये 8 ऐसे कर देता हूं, बाकी अपन कैलकुलेशन यही कैलकुलेशन यही करेंगे, तो 8x डिवाइडेड बाय 72, वैसे 8 और 72 भी कैंसिल हो रहा था लेकिन अपन बाद में कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 माइनस तो अपने पास आया ये 8 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 232 इज इक्वल टू 0.05, ये लो अपने पास यार। कैलकुलेट कर ले, अब आप कैंसिलेशन कर लो, उसमें कैंसिलेशन करोगे तो कितना कितना आ रहा है वो देखो आप और कैलकुलेट करो, ये तो 1/9 आ गया अपने पास, जरा बताओ x कितना आया, x कितना आएगा अपने पास, यहां पर अपने पास x का वैल्यू कितना आया, आ गया
कैलकुलेट करो जरा। तो ज्यादा आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इतना थोड़ी आ सकता है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। देखो जरा तो आएगा। आया फोर पॉइंट मेरे ख्याल से ठीक है, बाय 20। हाँ मतलब डिवीजन में गड़बड़ किया था, ठीक है सही है। एक्स इजिकल टू आ रहा है अपने पास 0.207 के आसपास है ना, 0.07 207। तो एक्स का वैल्यू अब ये वन में से आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट दैट देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एफपीओ विल बी इक्वल टू That is 0.027 multiplied by 100, that is 20.7 आ रहा है आंसर। ये लो भाई आ गया आपके पास परसेंटेज, तो 20.7% इसका आ गया, तो बाकी इसका परसेंटेज आ गया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अपन को नहीं करना है, वो ध्यान रखना। राइट, कैलकुलेशन में अपन ध्यान रखें, और बिल्कुल आपने 4.04 डिवाइड बाय 20 बताया जो बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। तो अपन बता सकते हैं कि कैसे अपन गेन एंड वेट भी बता सकते हैं। तो ये अपना आज का मतलब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन वाला पार्ट था, और अब आप मोल कॉन्सेप्ट में अप टू आप सेक्शन ई तक कर सकते हैं, सेक्शन ई तक कर सकते हैं। तो आपको एबीसी मैंने पहले से दे रखा था, आपको डी और ई दिया हुआ है, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जिनका बैकअप क्लास है, मैंने जैसे आपको बताया था कि इट विल बी अ प्रॉपर क्लास जो लगेगा, वो प्रॉपर आपका क्लास लगेगा, और उसमें अगर कोई स्टूडेंट रिवाइज भी करना चाहे तो वो रिवाइज भी कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि मतलब जिनका बैकअप है बस वही रिवाइज कर सकते हैं, वापस कोई दूसरा स्टूडेंट भी रिवाइज कर सकता है अगर किसी को लगता है कि मुझे एक बार फिर से मतलब देख लेना चाहिए। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली वो 10th और 11th में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो अगर किसी को जरूरत पड़ता है तो वो बैकअप क्लास को अटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस वो अकबर सर को बता दें कि सर हम लोग बैकअप क्लास अटेंड करेंगे, तो उसमें वो अटेंडेंस में वो डाल देंगे कि वो स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। okay, और AC2 में अपना पूरा डिस्कशन जो अपना ग्रुप बना हुआ ना, उसमें आप डिस्कस करिए और बताइए कि मतलब क्या करना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में अपन मतलब कल अपना सुबह फिर क्लास होगा तो अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे, ABCD तक तो पक्का डिस्कस करेंगे और उसको बता देंगे, ठीक है। और बैकअप क्लास विल गेट दैट, ठीक है। ओके सो दैट्स ऑल, ओके थैंक यू।